हिंदुस्तान को अगर तुम जला रहे हो तो वही तो देशद्रोह है। मोदी और उनकी टीम वो कर रहे हैं इस देश को बर्बाद। कि 2019 की तैयारी है ये उनकी, उनको मालूम है कि जो भी उन्होंने वादे किए थे वो नहीं पूरे हो पाए हैं और बल्कि हालात खराब हुए हैं, तो डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है। तो इस बार का चुनाव वो विकास के ढकोसले के साथ नहीं कर पाएंगे जैसे उन्होंने 2014 के चुनाव को किया था, और इसीलिए बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर जहाँ वो घिर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक इमोटिव प्लैंक पे चला जाए जहाँ पर वो फैक्ट्स के लेवल पे या कोई सब्सटेंटिव इश्यूज के लेवल पर ना रहे बल्कि वो इमोटिव प्लैंक पर यानी कम्युनल प्लैंक पर सिखा जाए। कभी वो ये भी कहते हैं कि जब जब खून की बारिश हुई है तब तक इलेक्शन में खेती अच्छी हुई है, तो वो खेती आज अच्छी हो रही है और इस खेती का खास करके उपयोग आरएसएस ने हमेशा किया है, चाहे वो गुजरात के दंगे के बाद मोदी का जीतना हो, चाहे वो भागलपुर में दंगे के बाद एक पर्टिकुलर समुदाय जो खुद को सेकुलर कहता है उसका सरकार में आ जाना हो। बिहार में एक DGP उस आदमी को बनाया गया है जिसने दंगों को कवर अप किया है, वो आदमी है जो सीधे तौर पर भागलपुर में 1989 में दंगों में जिसमें मुसलमानों के खिलाफ हमले थे साफ तौर पर उसमें शामिल रहा, सीधे तौर पर वो उस वक्त वहाँ इंचार्ज था, पुलिस ऑफिसर। और ये भागलपुर दंगों में लगभग 1000 मुसलमान मारे गए थे और खेत में मुसलमानों की लाशें गड़वा के उसके ऊपर गोभी बो दी गई थी। तो इस तरह के व्यक्ति को अगर आप जो है प्रशासन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से दंगे होते हैं, तो बहुत सीधे तौर पर नीतीश सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार की नीयत के ऊपर सवाल उठते हैं। दंगाई के तौर के ऊपर रोल प्ले करेंगे, दोनों में फ़र्क है। दंगे तो दोनों दो समुदायों के बीच होते हैं, ये दंगाई रोल प्ले करना चाहते हैं। आज के माहौल में जो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पार्लियामेंट के लोग हैं, MLAs हैं, वो शामिल हैं इन सब चीज़ के अंदर, ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। त्रिशूलों को बांटना, बजरंग दल द्वारा मिलिट्री कैंप्स लगाना, ये सब मिलिशिया के खड़े होने का एक संकेत है। हमारे हाथ में क्या किसी एक के भी हाथ में कोई हथियार है? पत्थर भी नहीं, कुछ भी नहीं है, हमारी आवाज के सवाल कुछ नहीं है। लेकिन हमें बताया जा रहा है यहाँ इतनी पुलिस फौज मौजूद है, भाई बहन है पुलिस के, और यहाँ वो कह रहे हैं सेक्शन 144 लगा हुआ है, आपको परमिशन नहीं मिलेगी, यहाँ बैरिकेड लगा हुआ है, आप वहां नहीं जा सकते वगैरह। उसी दिल्ली शहर में हनुमान जयंती के नाम पर तलवार लेकर के पूरा भड़काऊ भीड़ मुसलमान मोहल्लों से गुजरता हुआ गंदी गालियां देते हुए, उनको चलने का अधिकार है, वहाँ कोई सेक्शन 144 नहीं, वहाँ कोई परमिशन डिनायल नहीं, पूरी परमिशन मिली है वही उनको। 2019 के चुनाव की तैयारी में उनको लग रहा है कि देश गया भाड़ में, उनके पक्ष में वोट आ जाए। BJP would not hesitate to go to any extent to play a divisive politics, the politics of hatred, the politics to ditch the electorates who have voted them in power in 2014. एक बेचैनी, परेशानी, एक नाराजगी है समाज के अंदर और जिससे ये घबराए हुए हैं, इनको अंदाजा हो रहा है कि इनकी पकड़ कम हो रही है, तो जाहिर है इनके पास एक ही एजेंडा होता है कि किसी भी तरह से भिड़ा दो और भिड़ा करके अपने एजेंडा को मजबूत करो। जो आम जनता है उसको किस तरह से बरगलाया जाए, और बरगलाने का सीधा सा हथकंडा है वो जो अंग्रेज भी ये राजनीति चलते थे, अंग्रेज जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय भी ये राजनीति होती थी कि फूट करो शासन, फूट डालो शासन करो, और यही राजनीति BJP की भी हम साफ देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को झगड़वाइए और BJP RSS की सत्ता बनी रहे। इसको हिंदू मुस्लिम दंगों से न देखें, इसको आप हिंदुस्तान के अस्तित्व पर हमले की निगाह से देखें। जो बिहार का दंगा हो, चाहे SSC के ऊपर लाठी हो, चाहे JNU के ऊपर लाठी हो, ये लाठी का जवाब मोहर से दी जाएगी।